नमस्कार दोस्तों, तो कुछ महीने पहले इंडिया पे लॉन्च हुआ था रियलमी GT नाम का रियलमी की तरफ से फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन। तो रियलमी GT लॉन्च हुआ है, मतलब डेफिनेटली GT 2 भी आने वाला है। तो कहा जा रहा है कि जो रियलमी GT 2 नाम का जो स्मार्टफोन आने वाला है, वो स्मार्टफोन ऑलरेडी सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो रियलमी GT 2 नाम का जो स्मार्टफोन आने वाला है, उसका एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या, डिज़ाइन होगा, कब लॉन्च होगा और किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजुअल चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कलर का स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि यही एक्चुअली इस बार जो रियलमी GT 2 सीरीज लॉन्च होने वाला है उसके सभी स्मार्टफोन का बैक कवर का डिज़ाइन होगा। मतलब इधर से मुझे यही चीज़ लग रहा है कि इसका पीछे का जो डिज़ाइन वो कुछ हद तक जो OnePlus 9 या फिर जो 10 आने वाला है एग्जैक्टली उसके जैसा ही होगा। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.6 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 188 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.62 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले। इसमें आपको मिलेगा 120Hz का डिस्प्ले रेट, उसके साथ 480Hz का टच सेंसिंग रेट मिलेगा और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो होगा 92% के आसपास। और जितना मुझे लग रहा है, जैसे पिछले बार भी आपको कोई गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिला था, तो इस बार भी शायद आपको कोई गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्रोसेसर की बार में बात करें, पिछले बार के जैसा इस बार भी आपको Snapdragon 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और उसके साथ रियलमी का जो पिछले बार का एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कूलिंग सिस्टम है, एग्जैक्टली सेम टाइप का कूलिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें, इसमें आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट मिलने वाला है क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 58 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। मतलब इधर एक चीज़ देखिए कि स्मार्टफोन का प्राइस चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो या तक 40,000 हो, तो भी रियलमी अपना जो 2 मेगापिक्सल का लीजेंडरी सेंसर वो ज़रूर प्रोवाइड करेगा। ये जो रियलमी GT 2 वाला जो स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि टोटल 3 वेरियंट पर लॉन्च होगा, 8 128 GB, 8 256 GB और 12 256 GB। ये टोटल 3 वेरियंट पर लॉन्च होगा। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR5 और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 3.1 और इसके साथ आपको डेफिनेटली कोई भी SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में बात करें तो आपको इसमें 5000mAh बैटरी मिलेगा, उसके साथ 65W का चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। अगर हम इसके कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसमें Android 12 मिलेगा, इसमें NFC का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सरप्राइजिंगली कहा जा रहा है कि इसमें आपको 3.5mm जैक भी जरूर देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज़, ये जो GT 2 वाला जो स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस पर में लॉन्च होने वाला है, तो पहले हम लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं। ये जो स्मार्टफोन इस महीने मतलब इस दिसंबर महीने के आखिर पे सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक के आसपास ये स्मार्टफोन सबसे पहले चाइना पर लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया पर लॉन्च होगा। तो इंडिया पर लॉन्च होने का एक्सपेक्टेड डेट मेरे ख्याल से फेब्रुअरी महीने के आसपास। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, ऐसा ही कहा जा रहा है कि इस बार का जो स्मार्टफोन वही पिछले बार की जैसा 35,000 रुपीज़ के आसपास ही लॉन्च होगा। तो अभी हर वीडियो का जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा कि क्या ये जो स्मार्टफोन आने वाला है आपको लेना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। आप देखिए, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन GT 2 होने वाला है तो डेफिनेटली GT के मुकाबले कुछ नया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम GT के साथ कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली मतलब अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इसमें एक बेटर क्वालिटी का डिजाइन देखने को मिलेगा। दूसरा, इसका जो डिस्प्ले वो एग्जैक्टली सेम, लेकिन पिछले बार आपको मिला था 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट, इस बार आपको मिलेगा 480Hz का टच सैम्पलिंग रेट, तो इसमें भी आपको एक माइनर इंप्रूवमेंट मिलेगा। प्रोसेसर वो तो एग्जैक्टली सेम है। अगर कैमरे के बारे में बात करें, ऑन पेपर पिछले बार आपको मिला था 64, इस बार आपको मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, लेकिन जितना मुझे लग रहा है इसका जो 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर वो सोनी का लेटेस्ट वाला सेंसर है, तो डेफिनेटली इसका जो आउटपुट वो पिछले बार के मुकाबले बेटर होना चाहिए। और जो चौथा, पिछले बार आपको मिला था 4500mAh बैटरी, इस बार आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, तो इस मामले में भी आपको एक छोटा सा इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। तो मतलब वीडियो के आखिर में आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो रियलमी GT 2 वाला जो स्मार्टफोन आने वाला है उतना कोई ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट के साथ लॉन्च नहीं होगा, मतलब हल्का सा इंप्रूवमेंट के साथ लॉन्च होगा। तो अगर आप चाहते कि 35,000 रुपीज़ के आसपास एक ऑलराउंड फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला कोई नया स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस रियलमी GT 2 को ज़रूर ले सकते। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी 30,000 से 35,000 रुपीज़ के अंदर कोई ऑलरेडी फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और अगर आप सोच रहे कि GT 2 के साथ उसे एक्सचेंज या फिर अपग्रेड करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि GT 2 वाले जो स्मार्टफोन उसमें ओरिजिनल GT के मुकाबले ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा।
तो अभी आप मुझे जो कमेंट में जरूर बताना कि ये जो GT2 वाला जो स्मार्टफोन आने वाला है, इसका स्पेसिफिकेशन, डिजाइन और प्राइस देखकर आपको क्या लगा। और अगर आप सोच रहे कि 35,000 रुपीज के आसपास कोई नया फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन लेना है, तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे? ये भी प्राइस पॉइंट में अवेलेबल जो मोटरोला या फिर दूसरे कंपनी के जो फोन अवेलेबल है, आप उसे लेना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे जो कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।